देखा था ना, आई लाइक द ट्रेलर, इतना ऑथेंटिक है. जो हमारे राइटर है राशिद सर, उन्होंने मेरी बहुत सारी सीरियल की टी पार्टी लिखी हुई है, ही इज़ अ फैंटास्टिक राइटर. सो व्हेन आई सॉ द ट्रेलर एंड दे वर लुकिंग फॉर समबडी टू रिलीज द फिल्म एंड ऑल दिस थिंग, एंड आई हैपन टू नो महबूब जी डॉन सिनेमा वाले, तो मैंने इन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है, ये हमारी प्रोड्यूसर है, तो मैंने उन दोनों को मिला दिया. तो एक अच्छी जो टीम वर्क है वो अच्छी तरह से रिलीज हो. सो डॉन सिनेमा इज़ रिलीजिंग इन थिएटर ऑन 22 जनवरी. ऑफकोर्स हमारे योगेश जी के सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता. एंड दिस फिल्म इज रिलीजिंग ऑन OTT ऑल्सो डॉन सिनेमा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट अ गुड प्रोजेक्ट इज रिलीज बाय गुड पीपल. सो आई एम हियर टू सपोर्ट देम. डेफिनेटली देखिए, जब भी बायोपिक होती है, स्पेशली किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में या किसी भी अपने फील्ड में एक अहम किरदार अदा किया है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. जब मुझे ये फिल्म की ऑफर आई, दीपशिका जी ने मुझे ट्रेलर दिखाया और ट्रेलर देखते ही मैंने एक्साइटेड हुआ. मैंने किसी से भी मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने बोला अगर जिन लोगों ने ट्रेलर इतना अच्छा बनाया तो फिल्म भी अच्छी बनाई होंगी. और जब हम फिल्म से जुड़े तो इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमने एक मुलायम जी की बायोपिक हम रिलीज़ कर रहे हैं, और सेकेंड इतनी खूबसूरत लोगों के साथ एक फैमिली जैसा माहौल बन गया है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम फैमिली के बाहर काम कर रहे हैं. और जब भी जब एक फैमिली जुड़ती है, जब कल मैं जाके योगेश भाई से बात की कि यार हम, तो इन्होंने बोले भाई हम योर आउटडोर पार्टनर पहले भी था, आगे भी हूँ, और साथ में डॉन सिनेमा के साथ में आगे भी जोड़ रहा हूँ मैं. सर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के साथ वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? और नहीं देखिए, कंट्रोवर्सी हेल्प मूवी एंटरटेनमेंट, और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है. जब भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं कुछ धमाका होता है, तो डेफिनेटली इसमें भी हमें फ़ायदा ही हुआ है. बदनाम वही होता है जिसका नाम होता नाम है. बिल्कुल. सो आई एम हैप्पी कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद में भी हम इसको तरीके से रिलीज़ करने के लिए, और फिल्म का एक अच्छा मूड ये है कि ये फिल्म आपको कुछ देके जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल इंटरटेनमेंट के नाम पे जो परोसते हैं. तो अगर कोई उसमें एक फिल्म ऐसी आ जाती है जो उससे लिंक से हटके हो, तो डेफिनेटली वर्क करती है. एंड दिस फिल्म ऑलरेडी गॉट 8 अवार्ड्स लिफ्ट में, यू नो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर अमित गॉट, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट बायोपिक, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कॉस्ट्यूम एंड ऑल. सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट. और अभी तो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होने के बाद आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि एक तो थिएटर एक साल से कोई गया नहीं है, तो पीपल विल बी एक्साइटेड टू गो. एंड सिनेमा इज चेंज नाउ, मोर देन कमर्शियल, दे वॉन्ट टू सी द रियालिटी, द बायोपिक एंड ऑल दिस थिंग. सो दिस इज द एप्ट फिल्म टू स्टार्ट अ न्यू ईयर विथ. सो 2021 इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑफकोर्स फॉर देम एंड फॉर द डॉन सिनेमा एवरी वन. मैम व्हाट वाज द फीलिंग जहाँ जब इतने सारे अवार्ड्स मिले, लाइक बिफोर द रिलीज इतने सारे अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इस फिल्म, बीइंग अ प्रोड्यूसर क्या फीलिंग थी? देखिए फॉर दिस फीलिंग्स अगर बोलेंगे, आई रियली हैव नो वर्ड्स. और रिलीज के पहले जो इतने सारे अवार्ड्स मिलेंगे, रियली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. क्योंकि हाँ ठीक है, मूवी अच्छी बनी है, हमने कोशिश की है कि हम सोसाइटी को एक अच्छी मूवी देख सकें, और हकीकत में न्यू ईयर में हम एक ये बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं ऑफकोर्स, कि सभी इतने दिन जो हमारे सिनेमा हॉल्स बंद थे और हम इसको सिनेमा में रिलीज़ कर रहे हैं डॉन सिनेमा के साथ, तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट टू द सोसाइटी है. और हम यही चाहेंगे कि पब्लिक और जितने यंग जनरेशन से इस पिक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ शिक्षा लेने वाली चीज़ें हैं कि एक स्ट्रगलर कैसे एक अच्छी पोजीशन में पहुंच सकता है, एक हार्ड वर्किंग कैसे एक आगे बढ़ सकता है, एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है. क्योंकि मैं खुद एक एडुकेशनिस्ट हूँ, मेरा स्कूल है कोलकाता में, तो मैं उसी लेवल से मैं सोच रही हूँ कि इस पिक्चर में है जो कि हम शिक्षा दे सकते हैं. अमेजिंग सर, आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं इसमें, तो प्लीज़ आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आपके रोल के बारे में भी जानना चाहेंगे, ऑडियंस हम तो जानते हैं बट ऑडियंस जानना चाहेंगे, एंड क्या कुछ स्टोरी लाइन होने वाली है इसमें? ये स्टोरी लाइन एक्चुअली नहीं है, ये कहानी एक कॉमन मैन की है. इट्स एन इंस्पिरेशनल मूवी. एक कॉमन मैन की जर्नी है कि एक किसान घर का बेटा, अ फार्मर्स सन, एक रेस्लर, कुश्ती लड़ते थे, वो कैसे क्या ऐसा सिचुएशन में उनका यहाँ पे हुआ कि वो उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो क्या क्या हर्डल्स उनको फेस करने पड़े, एंड देन ही बिकम्स अ CM ऑफ द स्टेट वेयर ही वॉज बॉर्न, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट. सो ये पूरी जर्नी हम मुलायम सिंह जी की दिखा रहे हैं इस मूवी में. यू नो व्हेन वी डू अ बायोपिक, काफी कुछ वर्कशॉप करने पड़ते हैं, काफी प्रेपअप करना पड़ता है, क्या कुछ आपने? मेरा सबसे टफ वर्कशॉप था कुश्ती सीखना, विच आई वॉज इन रोहतक फॉर 3 मंथ्स एंड आई लर्न कुश्ती फ्रॉम देयर. इवन आई ब्रोक माई रिब्स, यहाँ पे मुझे चोट भी लगी थी,
तो जो भी है, बट बहुत मज़ा आया करने में. वर्कशॉप भी काफ़ी किए हम लोगों ने, कैमरा के सामने आने से पहले काफ़ी होमवर्क किया हम लोग ने यहाँ पे. तो इट वॉज फन डूइंग द मूवी एंड आई होप के सबको पसंद आएगी वाली मूवी इंशाल्लाह. दीपशिका मैम, लाइक आपके भी आने वाले क्या कुछ प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज एवरीवन आर ईगरली वेटिंग टू सी यू ऑन स्क्रीन. सो या इट इज एक साल तो ऑब्वियसली वी कुडंट डू इट. वन आई हैव जस्ट फिनिश्ड वेब सीरीज व्हिच इज कमिंग ऑन डॉन सिनेमा प्रयागराज, जो मैं लखनऊ में शूट करके आई. मेरी आने वाला जो अभी मैं शूटिंग कर रही हूँ वो रश्मि शर्मा का है, रज्जू की बेटियाँ, सो विच इज़ गोइंग टू गो ऑन फ्लोर इन जैन. एंड यस, आई वाज डूइंग वन फिल्म विच वाज बेस्ड ऑन अगेन अ रियल थिंग इन राजस्थान, टाइगर ऑफ राजस्थान, जिसका गाना हमने सरोज जी के साथ किया था. लास्ट हर सॉन्ग वॉज विथ मी एंड वो लॉकडाउन की वजह से हुई नहीं, सो तो अगेन वी आर लुकिंग, वी विल स्टार्ट इन जनवरी और फरवरी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, आप बिग बॉस की एक अहम हिस्सा रह चुकी हैं. इस बार का बिग बॉस 14 आप फॉलो कर रही हैं? पहले नहीं कर रही थी, पर जब से चैलेंजर्स गए कश्मीरा और विकास एंड एवरीबॉडी, सो देन आई स्टार्टेड वॉचिंग, कि मुझे तब देखना था कि अब कैसा मज़ा आता है. ऑब्वियसली सब छुट्टी थी, घर में कुछ काम नहीं था, आई वॉज वॉचिंग इट. बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था, ऑफ लेट आई एम नॉट फॉलोइंग, बट येस उनके आने से बहुत फ़र्क तो पड़ा ही. सो आई एम रियली लाइकिंग इट, बिकॉज मुझे पता है जो अंदर होता है ना, जो उसकी बैंड बजती है, बाहर जो सोचता है वो अलग सोचता है. जब वो बाहर आता है तो उसको लगता है मैंने क्या गलत कर दिया. ए पर्सन गोज टू डिप्रेशन कम्प्लीटली, बट फॉर मी बिग बॉस वॉज अ लर्निंग थिंग. आई रियली लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम बिग बॉस वेन आई वॉज इन साइड एंड वेन आई केम फ्रॉम आउटसाइड. सो इट इज़ अमेजिंग, दैट्स वाई इतना हिट शो है, लोग देखते हैं. एंड ऑफकोर्स आइसिंग ऑन द केक इज सलमान खान. सो ऑब्वियसली जब तक वो रहेंगे बिग बॉस रहेगा. ओके, टॉप फाइव में आप किसको देखती हैं? अभी आई डोंट नो विकास, आई वॉन्ट टू सी विकास, बट वो आके चले गए तो आई डोंट नो वॉट इज द करें. आई नो बट ही केम आउट, आई डोंट नो. बट पुराने में अगर मैं बोलूँ तो आई लाइक अली, देन हिज गर्लफ्रेंड जासमीन, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज द टू द पॉइंट बात करते. बट एवरीबडी इज प्लेइंग गुड, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू सी विकास एंड मनु इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड. सो राखी, शी इज़ अ फुल एंटरटेनर, राखी हैज़ टू बी देयर, यू नो, शी इज़ टू फनी, आई जस्ट लव हर. वो जो कर सकती कोई नहीं कर सकता. वो अपने पे मजाक उड़ाती है, खुद हंसती है, आई डोंट सी शी इज़ हर्टिंग एनीबडी, शी इज़ फुल नॉन एंटरटेनमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी शी इज़ देयर. वी विल बी सीइंग यू आल्सो इन बिग बॉस. अब दिस सीजन इज गेटिंग ओवर एनी व्हिच वे, सो आई डोंट नो, दे हैव टू कास्ट द पीपल. आई डोंट, नेक्स्ट ईयर जब वो नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे डेफिनेटली. ओके, लास्टली कब मूवी रिलीज हो रही है, अगर उसके बारे में भी आप लोग बता देते. ये फिल्म मैं मुलायम रिलीज हो रही है 22 जनवरी को, डॉन सिनेमा रिलीज कर रहा है. ऑल पीवीआर इज अ पार्टनर, ब्राइट इज आउटडोर पार्टनर, सो यू कैन सी देम सी द फिल्म इन थिएटर एंड ओटीटी पे ऑल्सो डॉन सिनेमा इज रिलीजिंग, सो यू कैन वॉच ऑन योर टीवी एंड इन द थिएटर. एंड बट आई थिंक यू मस्ट गो एंड वॉच इन द थिएटर, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं खुद आके आज मैं ट्रेलर देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था माई गॉड इज सो डिफरेंट वो टी वी में देख देख के ना. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो माई सेल्फ इन द थिएटर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.